दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 3 भारतीय शामिल हैं। सीतारमण की 34वीं रैंक है। HCL कॉरपोरेशन की CEO और HCL टेक की वाइस चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा 54वें और बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार 65वें नंबर पर हैं। फोर्ब्स ने शुक्रवार को ये लिस्ट जारी की। सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। वे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। राजनीति में आने से पहले सीतारमण ब्रिटेन की एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन और BBC वर्ल्ड सर्विस से भी जुड़ी रही थीं। रोशनी नाडर देश की प्रमुख टेक कंपनी HCL टेक के रणनीतिक फैसलों के लिए जिम्मेदार हैं। वे कंपनी की कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR कमेटी की चेयरपर्सन और शिव नाडर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं। यह फाउंडेशन एजुकेशन पर काम करता है। इसके तहत देश में कई बड़े कॉलेज और स्कूल चल रहे हैं। किरण मजूमदार देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड वूमन है। उन्होंने 1978 में देश की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी बायोकॉन बनाई थी। बायोकॉन के प्रोडक्ट अमेरिका में भी कामयाब रहे। कुछ तरह के कैंसर की 2 अलग अलग बायोलॉजिक दवाओं के लिए अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी पाने वाली बायोकॉन पहली कंपनी है। बायोकॉन में रिसर्च और डेवलपमेंट गतिविधियों पर ने काफी निवेश किया। मजूमदार मेडिकल सेंटर के जरिए समाज सेवा भी करती हैं। फोर्ब्स के मुताबिक की नेटवर्थ करोड़ डॉलर करोड़ रुपए है। लिस्ट में शामिल महिलाओं में 13 अरबपति फोर्ब्स की लिस्ट में एंजेला मर्केल पहले नंबर पर हैं। वे 2005 में जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थीं। अभी उनका 4था कार्यकाल चल रहा है। दूसरे नंबर पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पहली महिला प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लैगार्ड हैं। उन्होंने पिछले महीने ही पद संभाला है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की 3री रैंक है। लिस्ट में किरण मजूमदार समेत 13 अरबपति महिलाएं शामिल हैं। इनकी कुल नेटवर्थ 8,670 करोड़ डॉलर 6.14 लाख करोड़ रुपए है। इन 13 में से 7 महिलाएं फोर्ब्स की सेल्ड मेड वुमन लिस्ट में भी शामिल हैं। अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स की CEO मैरी बरा 5वें नंबर पर हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की को चेयर मेलिंडा गेट्स की 6ठी रैंक है। फेसबुक की CEO शेरिल सैंडबर्ग 18वें नंबर पर हैं।